हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड की एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। वो ट्रिक है कि आपको अगर मल्टीपल व्यू पोर्ट्स देखने हैं तो आप कैसे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहां पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि अभी जब भी हम ऑटोकैड पे काम करते हैं, सिंगल व्यू पोर्ट पे काम करते हैं, हम यहाँ पे जाके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल व्यू पोर्ट आए, कि आपको टॉप अलग दिखे और एक साथ ही फ्रंट अलग दिखे, राइट अलग दिखे। तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, वी पोर्ट्स। वी पोर्ट्स पे जाओ, एंटर। तो यहां पे आपके पास काफी ऑप्शन है। सबसे पहले आता है न्यू व्यू पोर्ट, अभी सिंगल है बाय डिफॉल्ट। अगर आप टू कर दोगे वर्टिकल, तो यहां पे आपको दिखाएगा कि जो एक इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा, यहां पे दिखा रहा है कि व्यू करंट व्यू को दिखाएगा और 2D वायर फ्रेम में दिखाएगा। और यहाँ पे विजुअल स्टाइल वो कैसे दिखाएगा वो आप चूज कर सकते हो। जो विजुअल स्टाइल्स है उस पर आप अलग चेंज कर सकते हो कि एक तो आपको करंट वाला दिखाएगा जो आपका करंट में चल रहा है टॉप वायर फ्रेम, और दूसरे विजुअल स्टाइल को आप कॉन्सेप्चुअल या 2D वायर फ्रेम जो देखना चाहते हो वो आप यहां से चूज कर सकते हो। तो अगर आप यहां पे ओके करते हो तो अब आप देखोगे आपके पास टू व्यू पोर्ट हो गए, एक कॉन्सेप्चुअल वाला और एक आपका वायर फ्रेम वाला। अब अगर आप यहां पे कुछ भी बनाओगे तो आपको डायरेक्टली यहां पे भी दिखेगा। अगर आप इसे एक्सट्रूड करते हो, अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूं तो आप देखो यहां पे वायर फ्रेम में दिखेगा, यहां कॉन्सेप्चुअल में। आप इस व्यू पोर्ट को यहां पे आके इस तरीके से देख सकते हो। तो दो दो व्यू पोर्ट आप एक साथ देख सकते हो। और चेंज करना है तो आप दोबारा से वी पोर्ट्स पे जाओ, वी पोर्ट्स। टू हॉरिजॉन्टल चाहिए, टू हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। थ्री चाहिए, एक राइट में और दो यहां पे व्यू आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आप देखना चाहते हो, ओके करो तो ये तीन व्यू पोर्ट आ जाएंगे। अब तीनों व्यू पोर्ट का अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि टॉप में चाहिए और यहां से 2D वायर फ्रेम चाहिए, ये आपको फ्रंट चाहिए और इसको आप क्या देखना चाहते हो 2D वायर फ्रेम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद है, अगर मैं दोबारा से वी पोर्ट्स पे जाता हूं, वी पोर्ट्स, अब ये आपके पास व्यू है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इक्वल देखने हैं चारों, राइट में देखने हैं, ये लेफ्ट में देखने हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ये तो हो गया 2D सेटअप। अगर आप 3D सेटअप करोगे तो एक इसमें से व्यू आपका 3D का रहेगा और बाकी सारे 2D के सेटअप रहेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि एक आपको यहाँ पे देखो 3D का चाहिए जो आपका 3D व्यू का है, और यहां से तीन सेटअप जो आप कहेंगे वो आपके 2D के सेटअप आएंगे, क्लियर है। तो ऐसे करके आप अपने व्यू पोर्ट को देख सकते हो। और व्यूपोर्ट के अंदर कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यूपोर्ट्स पे गया, मान लो मैंने सिंगल किया, ओके, तो आपका सिंगल आएगा और यहाँ पे आके आप टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ऑप्शन जो है आपके व्यूपोर्ट्स में, आप यहाँ पे जाओ, 3D कर सकते हो, 2D सेटअप कर सकते हो, कौन सा करंट चाहिए, विजुअल स्टाइल कैसा चाहिए। अगर आप अपने नाम से कोई व्यूपोर्ट सेव करना चाहते हो, मतलब टू वर्टिकल को मैं माई नेम से सेव करना चाहता हूँ, मान लो मैंने माई नेम या फिर माई व्यूपोर्ट के नाम से सेव किया एंड ओके, तो डबल आ जाएगा। दोबारा वहां पे जाओगे तो नेम व्यू पोर्ट पे जाओगे तो जितने भी आप अपने नाम से सेव करोगे तो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे, जिसको आप अपने तरीके से भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसको रीनेम कर सकते हो, बाद में इसको डिलीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इसको देख के चलना है। तो ये था, आप मल्टीपल व्यू पोर्ट्स को कैसे देख सकते हो अपने पूरे व्यू पोर्ट में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं।